स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर थर्ड। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, इसको मैंने आपको क्लियर किया था। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होते हैं, जैसे एमके सिस्टम क्या होते हैं, FPS क्या होते हैं, फुट पाउंड सेकेंड क्या होते हैं एंड इंटरनेशनल सिस्टम क्या होते हैं। आज की वीडियो में ये सारी चीज हम लोग कवर करेंगे बेटा। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा सिस्टम ऑफ यूनिट या सिस्टम ऑफ यूनिट। तो देखिए देयर आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी में डिवाइड है। फर्स्ट वन अगर हम लोग बात करें बेटा, ये होता है MKS सिस्टम। क्या होता है? MKS सिस्टम। क्या लिखेंगे बेटा? MKS सिस्टम। इस सिस्टम में होता क्या है, यानी लेंथ इन दिस सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर। यानी इस सिस्टम में जो लेंथ है उसको किसमें मेजर किया गया बेटा? मीटर में। मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। तो इन दिस सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इन किलोग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। ये MKS सिस्टम। M मीन्स मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। तो ये फर्स्ट सिस्टम हो गया बेटा। सेकेंड वन ये होता है बेटा CGS सिस्टम। क्या लिखेंगे हम लोग? CGS सिस्टम। इन दिस सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर। मास इज मेजर्ड इन ग्राम। मास को किसमें मेजर किया गया बेटा? ग्राम में। एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। तो इन सीजी सिस्टम में सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर क्या होता है? ग्राम होता है, एंड एस फॉर क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। तो इन दिस सिस्टम में क्या होता है, लेंथ को सेंटीमीटर में लोगों ने नापा, जी को किसमें नाप दिया? ग्राम। जी फॉर ग्राम यानी मास को ग्राम में नाप दिया बेटा, टाइम तो सेकेंड में ही जाएगा। एंड जो लास्ट वन होता है बेटा, ये FPS होता है। क्या होगा? FPS सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है, आइए देखते हैं। इन दिस सिस्टम है ना, लेंथ इज मेजर्ड इन फुट। लेंथ को किसमें मेजर किया गया बेटा? फुट में किया गया। मास को, मास इज मेजर्ड इन पाउंड। मास को किसमें मेजर किया गया बेटा? पाउंड में। एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। तो यहां पे फुल फॉर्म भी देख सकते हो, एफ मीन्स फुट हो गया, पाउंड हो गया एंड सेकेंड हो गया, फुट पाउंड सेकेंड। यानी लेंथ को मेजर किया जाएगा फुट में, मास को किसमें मेजर करेंगे हम लोग? पाउंड में। एंड जो टाइम होगा उसको हम लोग सेकेंड में बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो ये रहा आपके SI मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम एंड FPS सिस्टम। एक और होता है SI यानी इंटरनेशनल सिस्टम, यानी स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी बोल सकते हो आप लोग, यानी इंटरनेशनल सिस्टम होता है ये। जनरली ये भी MKS ही है, कहां पे गया ये MKS सिस्टम ही है। ये देयर आर सेवन होते हैं, वही जो बेस क्वांटिटी होते हैं, यानी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो अपना ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ना, इलेक्ट्रिक करंट, वो सारी चीजें आपके SI होते हैं। ये भी आपके एक तो बेस क्वांटिटी होते हैं, एक होता है सप्लीमेंट्री यूनिट।
ठीक है। तो आप इसमें हम लोग नेक्स्ट यूनिट बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट। अभी यहाँ हम लोगों ने बात किया सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट एमकेएस एक लिख लो, एक सीजीएस लिख लो और एक एफपीएस लिख लो। हम अभी यहाँ क्या बोले एमकेएस को ही अभी हम लोग ये बोलेंगे एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। यानी इस सिस्टम में भी मास का यूनिट मीटर हो किलो ओम, लेंथ का मीटर ही लिखेंगे और मास का किलोग्राम एस का सेकंड लिखेंगे। इस सिस्टम में भी इंटरनेशनल सिस्टम यानी ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोग यही बात करेंगे। क्लियर एवरीवन? ओके। अभी हेडिंग आप लोग डालोगे बेटा टाइप्स ऑफ, क्या लिखेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट। तो यहाँ पे आपको अच्छा एक चीज ये लग रहा होगा कि हम लोग एक टॉपिक वाइज बात करते जा रहे हैं, सीक्वेंस में हम लोग बात करते जाएंगे ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए बेटा, आपको बर्डन नहीं फील होगा। ठीक है, तो आप भी अच्छे से नोट करते रहो। अगला हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट। ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट। तो इसमें देखो हम लोगों ने बात ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा इसमें कि एक तो अपना होता फंडामेंटल, क्या बात किया था हम लोगों ने फंडामेंटल, एंड सेकेंड ये बात किया था डेराइव, एंड थर्ड वन होता बेटा सप्लीमेंट्री। क्या लिखेंगे? सप्लीमेंट्री। तो एक एक करके मैं आपको कैटेगराइज करके आपको सिखाऊं क्या होता फंडामेंटल, डेराइव क्या होते हैं एंड सप्लीमेंट्री क्या होते हैं। तो फंडामेंटल ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया था, इट इज इंडिपेंडेंट यूनिट, यानी ये फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं किसी और पे डिपेंड नहीं करते, सेल्फ डिपेंडेंट होते, इसलिए इनको बोलते हैं फंडामेंटल। डेराइव विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी ये डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इसको हम लोग बोलते थे डेराइव क्वांटिटी। अब सप्लीमेंट्री रिलेटेड एंगल से, ठीक है, तो सप्लीमेंट्री में भी दो कैटेगरी हम लोग देखेंगे, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। तो आइए देखते हैं, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। देखिए बेटा, मान लीजिए फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग पहला बात करेंगे, फर्स्ट फंडामेंटल। फर्स्ट देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बेटा एस आई यूनिट लिख देता हूँ, यानी एस आई का मतलब एम के एस। दूसरा लिख देता हूँ सी जी एस, एंड थर्ड लिखूंगा एफ पी एस सिस्टम। ठीक है, एस आई एम के एस। तो फर्स्ट मैं ये लिख ले रहा हूँ बेटा लेंथ, सेकेंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर। फोर्थ क्या ले लिया हम लोगों ने, टेम्परेचर। थर्ड ले लेता हूं बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड अगला हम लोग बात करें तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एक और लिख सकते हो आप इलेक्ट्रिक करंट। आप देखिएगा इन एमकेएस सिस्टम में लेंथ का जो यूनिट होता है बेटा मीटर लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे? मीटर। ओके, मास का लिखेंगे हम लोग किलोग्राम, टाइम का लिखेंगे सेकेंड, टेम्परेचर का क्या लिखेंगे बेटा केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता कैंडेला, एंड इलेक्ट्रिक करंट आल्सो यू नो एम्पियर। आपको भी पता होगा कि क्या होता है एम्पियर होता। तो इन एसआई सिस्टम में जो यूनिट लिखी जाएगी आपके सामने, मैंने लिखा मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, मोल, कैंडेला एंड एम्पियर लिखी। अब इसी चीज को हम सीजीएस में क्या लिखेंगे वो चीज समझ लो आप। ठीक है, अभी देखो सीजीएस में मैं और बाकी की बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना का ही बात कर लेता हूं। ये चीज इन सीजीएस में मीटर ना लिख के हम लोग लिखेंगे बेटा सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। किलोग्राम को लिखा जाएगा इस सिस्टम में ग्राम, एंड सेकेंड को सेकेंड लिखेंगे अभी हम लोग। आगे हम लोग बात करेंगे एम्पियर, एम्पियर भी लिखा जाएगा एक ही सिस्टम में, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी इस पे फोकस करो आप, इसी सिस्टम में इसको बोलेंगे फुट और इसको लिखेंगे पाउंड एंड इसको लिखेंगे बेटा सेकेंड। क्लियर है? हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी के जो अदर अदर सिस्टम में यूनिट होते हैं वो यहाँ पे लिख दिया। बाकी इसका टेंशन नहीं लेना आप लोगों को, इसकी चर्चा हम लोग बाद में भी करते हैं, जस्ट अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इसकी, है ना, कि केल्विन इस सिस्टम में क्या लिखेंगे वही लिख देंगे कि क्या कुछ चेंज होके आएगा। कुछ चीज बताने के बाद मैं इसको क्लियर करता हूँ। ठीक है,
आप इनको अच्छे से नोट कर लो, टाइप्स ऑफ यूनिट यानी फंडामेंटल। सेकेंड तो डिराइव, तो मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में क्लियर किया ना डिराइव क्वांटिटी। जैसे इन सातों को छोड़ दो ना, इन सातों को छोड़ने के बाद जो भी बचते हैं फिजिकल क्वांटिटी डेंसिटी से लेकर के करंट ही ले लो, सॉरी करंट बोल रहा हूँ, वेलोसिटी ले लो, एक्सीलरेशन ले लो, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी जो भी है सब इस पे डिपेंड करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी से। ठीक है, इस पे डिपेंड करते हैं, इसके बगैर वो डिफाइन नहीं है, तो इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था। ठीक है, अभी मैं आपको जो इंपॉर्टेंस है वो चीज सिखाता हूं, सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट ये इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, ये चीज नया आ रहा है, चाहे नाइन्थ स्टैंडर्ड हो या इलेवंथ स्टैंडर्ड हो, सभी बच्चों को इसका आइडिया होना चाहिए सप्लीमेंट्री। बिकॉज नाइन्थ में भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इफ अ पार्टिकल रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ट्रैक, सपोज करिए ए टू बी, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बेटा। तो नाइन्थ वाले भी फोकस करेंगे, बाकी इलेवंथ एंड जो नीट उनकी प्रिपरेशन करें उनके लिए तो है ही है। ठीक है, अभी देखो ये टू टाइप के होते हैं, एक होता है बेटा प्लेन एंगल, क्या होगा प्लेन एंगल, एंड जो सेकेंड वन होता है सॉलिड एंगल होता है, क्या होता है सॉलिड एंगल। अब देखो प्लेन एंगल को थीटा से लिखा जाएगा, सॉलिड एंगल को ओमेगा से लिखेंगे, किससे लिखेंगे ओमेगा से। अब देखिए प्लेन एंगल ये ऐसे होगा, आप यहां ले सकते हो ऐसे, ये कितना एंगल बना है बेटा थीटा, मान लो रेडियस कितना है इसका आर, ये इसका सेंटर, और ये जो लेंथ है आर्क लेंथ ए टू बी, ये आर्क बोला जाता है आर्क। ठीक है, जैसे सर्किल का छोटा सा सेक्टर है, छोटा सा सेगमेंट है, एक सब पार्टिकल इन सर्किल में ऐसे रिवॉल्व की ए टू बी ऐसे, तो यहाँ पे जो एंगल सरफेस का इसी को बोलते हैं प्लेन एंगल। तो एंगल इक्वल टू होता है बेटा आर्क अपॉन रेडियस, क्या लिखोगे आर्क अपॉन रेडियस यानी एल बाई आर, एल बाई आर, और यूनिट लिखा जाएगा बेटा रेडियन में, याद रखना यूनिट ऑलवेज रिटन इन रेडियन, जो भी यूनिट लिखेंगे हम लोग किसमें लिखेंगे रेडियन में होना चाहिए। अब ये हम बात करेंगे सॉलिड एंगल क्या होता है, ये आओ देखो ए लो, ये हम लोग बात करेंगे, ये जो ये एरिया बन रहा है ये देखो ये ऐसे ऐसे, समझ पा रहे ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ये ऐसे गोल सा, ऐसे आप देखो ऐसे इधर से देखो ऐसे एक कोनिकल शेप का बन रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल ये सबटेंस कर रहा है नोन है सॉलिड एंगल। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू होता है बेटा एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, क्या लिखेंगे एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, जो यूनिट लिखी जाएगी स्टेरेडियन, क्या लिखेंगे स्टेरेडियन। क्लियर है, तो ये दो चीज आप याद रखना है, इसके डीप एंड डिटेल्स में बाकी हम लोग तो देखते रहेंगे, जैसे ट्वेल्थ में गॉस थ्योरम में बहुत ज्यादा इसका यूज है, या हम लोग कुछ और बात कर रहे हैं या रोटेशनल मोशन बात करें वहां पे भी थोड़ा सा जिक्र किया जाता है इसका सॉलिड एंगल का। ठीक है, तो आप इन दोनों को अच्छे से याद रखना, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर स्टेरेडियन, और स्टेरेडियन आप देखोगे तो मैक्सिमम होता है बेटा 4 पाई स्टेरेडियन, क्या लिखोगे 4 पाई स्टेरेडियन। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेटा डायमेंशनल फार्मूला निकालना, और कुछ हम प्रीफिक्स दिखाएंगे आपको, कन्वर्जन ऑफ यूनिट भी सिखाएंगे। तो चलिए, अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो आप वीडियो लाइक कर लो, कमेंट कर लो, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर लीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे को भी एक अंदर से पॉजिटिव एनर्जी मिले, मैं भी मोटिवेट हो जाऊं। तो चलिए बाय बाय।